मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं मेथड ऑफ वर्किंग, जो विनिंग एंड वर्किंग भी कहलाती है, उसकी एक मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वो मेथड का नाम है लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग। लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग, जिसमें वाल जैसी, लंबी वाल जैसी फेस रहती है दोस्तों, इसको मैं तीन चार स्टेप में पूरा करने वाला हूं, जिसमें से पहला स्टेप है दोस्तों लेआउट, लेआउट ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल। दोस्तों मैं इस लेआउट को ड्रॉ करने के पहले बता देना चाहता हूं, जैसे बोर्ड एंड पैनल मेथड में डेवलपमेंट और डिप्लेनिंग होती है, पिलर बनाने का काम होता है, फिर जो है पिलर काटने का काम होता है, ठीक उसी तरीके से लॉन्ग वॉल मेथड में हम लोग लॉन्ग हेडिंग ड्राइव करते हैं दोस्तों, लॉन्ग हेडिंग ड्राइव करते हैं। और ये जो लॉन्ग हेडिंग ड्राइव की जाती है, इसके फेस की लेंथ कितनी होगी वो निकाली जाती है दोस्तों। फेस की लेंथ, फेस की लेंथ निकालने की जो फॉर्मूला है, फेस लेंथ निकालने की जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, टीपीडी जो टन पर डे प्रोडक्शन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं क्या क्या चीज से, वेव से, वेव से, वेव यानी कि जो कोयला जो फेस रहती है उसमें कितना कटिंग के लिए पिक्स घुसती है, एक कट कितना डेप्थ तक होती है वो वेव कहलाती है। दूसरी फैक्टर होती है उसमें ऑपरेशनल फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग ओपी फैक्टर लिख दे रहे हैं, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल फैक्टर, ऑपरेशनल फैक्टर लिख दे रहे हैं दोस्तों, ऑपरेशनल फैक्टर लिख दिया मैं पूरी तरह से यहां पर। अब यहां पर ये दो फैक्टर हो गए, पांच फैक्टर नीचे में रहती है दोस्तों। तीसरी चीज जो चीज रहती है वो रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल की बात कर रहे हैं, कोल काटने की बात चल रही है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल रहेगी। ये तीन फैक्टर हो चुकी है। चौथी फैक्टर आपको याद रखनी है कि जो अपनी पास, पास क्या होती है मैं बताऊंगा। एक बार यहां से यहां तक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक फेस के किनारे से, फेस के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब कोयला कट करते जाती है तो उसको एक पास कहा जाता है। तो एक दिन में कितना नंबर ऑफ पास रहती है उसको गुना करते हैं दोस्तों। चार फैक्टर हो गई, वेव हो गई, ऑपरेशनल फैक्टर हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, नंबर ऑफ पास हो गया दोस्तों। अब यहां पे जो पांचवी और आखिरी फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग थिकनेस दोस्तों। तो ये चौथी फैक्टर हो गई वर्किंग थिकनेस दोस्तों। वर्किंग थिकनेस आपने लिख दिया जो आप हाइट का डेवलपमेंट करेंगे या डिप्लेयरिंग करेंगे दोस्तों। यहां पर जो वर्किंग थिकनेस है वो आप वेरिएबल रहती है, बाकी अगर टीपीडी टन पर डे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में एक आईना गागर में सागर रखा था, इस बोर्ड में एक सागर रखा था, उसमें मैं बताया था कि टन पर डे लॉन्ग वॉल में 2500 टन पर डे प्रोडक्शन करते हैं और डिवाइड करते हैं हम लोग वेव से, जो 0.6 मीटर होती है, ऑपरेशनल फैक्टर 0.6 मीटर होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोयले की कैलकुलेशन पर्पज के लिए 1.5 लेते हैं, नंबर ऑफ पास जो होती है वो 10 रखते हैं, और वर्किंग थिकनेस दोस्तों मान लीजिए कोयले की सीम थिकनेस जो है आपको कंडीशन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 4 मीटर दोस्तों, तो 4 मीटर आपने रख लिया दोस्तों। अब यहां पर आप 2500 को डिवाइड करिएगा किससे दोस्तों, इस इन चारों से, देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, टाइम है अभी, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। ये जो चार फैक्टर है ये जो है लगभग कांस्टेंट मानना है, होती नहीं है लेकिन मानना है, जिसकी वैल्यू 5.4 होती है और आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या आता है, 2500 डिवाइडेड बाई
चार चौको 16 के 6 हाथ में 1 4 5 20 और 1 21 21.6 हो रहा है। इसको आप 10 से गुणा करके ऊपर नीचे डेसिमल चिन्ह हटा दीजिए और ये 2500 आती है दोस्तों, साथ में आपको ये 216 होती है। आप यहाँ पर देखिएगा कि 216 को 250 से भाग दीजिएगा तो 1 time जाएगा और आप इसमें 34 बचेगी 340 होगा, 340 को 2 time आप यहाँ पर नहीं ले सकते, 200 × 400 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लगभग क्या प्राप्त हो रहा है, 12 के लगभग प्राप्त हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसकी जो है 120 मीटर लगभग 110-120 मीटर के लगभग होगी, वो एग्जैक्ट जो भी होगी आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा भाग दे करके डिवाइड करके दोस्तों। तो 120 मीटर लेंथ आपकी निकल गई फेस लेंथ दोस्तों। ये फेस लेंथ आपको 120 मीटर की जो है ड्राइव करनी है। ये रही मान के चलिए ये जो रहा फेस आपका 120 मीटर यहां से यहां तक रही दोस्तों। और इसको जब हम लोग ड्राइव करते हैं लॉन्ग हेडिंग को तो ये जो लेवल डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं और साथ में जो पैनल बाउंड्री होती है या जो माइंड बाउंड्री होती है वहां जाकर के डीप राइज रास्ते से मिला देते हैं दोस्तों। डीप राइज रास्ते से हम लोग मिला देते हैं और डीप राइज रास्ते से हमने जैसे ही मिलाया तो उसके एक तरफ का जो ये फेस है यही जो है लॉन्ग वाल फेस कहलाएगी, लॉन्ग वाल FAC कहलाएगी दोस्तों। अब यहां पर आपने इस फेस पर जो इक्विपमेंट्स हैं उसको आप इस्टेब्लिश करना चालू कर देते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए इसको यहां पर कट कर देता हूं और ये जो है जो अपनी AFC रहती है, ये FC जो रहती है जिसको आर्मर्ड फेस कन्वेयर कहते हैं, जो पूरी फेस की लंबाई में इस्टेब्लिश रहती है, उसको मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो फेस है ये इस तरीके से जो है बन जाती है। अगर आप AFC को काटते हुए जाते हैं तो ये जो है पूरी लंबाई में इस तरीके से फैले रहती है और इस गेट को हम लोग जो है मेन गेट कहते हैं दोस्तों। इस गेट को हम लोग जो है मेन गेट कहते हैं। ये रही मेन गेट, मेन गेट रहती है और यहाँ पर जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेन गेट में क्या क्या इक्विपमेंट रहती है वो पूरी इक्विपमेंट को दर्शाने वाला हूँ। ये जो बन रही है ये आपकी AFC है दोस्तों और AFC जो कोयला लेके आती है वो स्टेज लोडर, स्टेज लोडर जो होती है STL के नाम से जानते हैं उसमें लोड करते हैं। मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये STL है दोस्तों। STL में ला करके ये कोयला को क्या करती है डालती है और उसके साथ यहाँ पर जो है ट्रांसफर सूट रहता है दोस्तों। ये ट्रांसफर सूट मैंने बना दिया और ट्रांसफर सूट के साथ जो है बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है दोस्तों पूरे गेट रोड में। तो ये गेट रोड में जो बेल्ट कन्वेयर रहती है जिसके कारण से इसको हम बोलते हैं क्या GBC गेट बेल्ट कन्वेयर दोस्तों। तो ये AFC थी और AFC के ऊपर जो यहाँ पर माउंटेड है वो है क्या चीज, AFC के ऊपर ही चलती है वो है माउंटेड है आपका सीयरर दोस्तों। सीयरर ही माउंटेड रहती है जो कि कोयला को फेस में काटती जाती है। अगर इस सीयरर को आप एक नंबर कहते हैं दोस्तों, ये जो एक नंबर जो है आपकी सीयरर है, दो नंबर आप इसको कहते क्या है AFC है, तीन नंबर में आप ये कह दे रहे हैं कि ये तीन नंबर में आपका STL है यानी स्टेज लोडर है, चार नंबर में जो है ये आपका ट्रांसफर सूट है, पांच नंबर में जो है आपका ये बेल्ट है। मैं नहीं लिख रहा हूं नाम, आप इक्विपमेंट डिटेल में नेक्स्ट जो बोर्ड में मैं लिखूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि इनकी नाम सीरियल बाइज में क्या क्या है। तो ये पांचवा नंबर में आपकी हो गई। यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रहती है, जैसे ही सीरर कोयला काटता है AFC में गिरती है, AFC से दूसरे नंबर में गिरती है, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर में आती है स्टेज लोडर में, चौथे नंबर में ट्रांसफर सूट से होते हुए पांचवें नंबर में बेल्ट कन्वेयर से होते हुए बाहर आ जाती है। तो ये पांच ही इक्विपमेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पूरे फेस की लंबाई में हम लोग जो है पावर सपोर्ट स्किन टू स्किन लगाते हैं दोस्तों। पावर सपोर्ट जो होती है वो इसकी लंबाई जो है 4.5 मीटर होती है दोस्तों और चौड़ाई जो है 1.5 मीटर होती है। ये पूरी फेस की लंबाई में
पूरी स्किन टू स्किन फैली हुई रहती है। इसको हम लोग छठवां नंबर में कह दे रहे हैं दोस्तों, जो कि ये पावर सपोर्ट हो गई। छठवां नंबर आपका पावर सपोर्ट हो गया, जो 300 से 600 किलो 600 टन की लोड बियरिंग कैपेसिटी को बियर कर लेता है दोस्तों। ये हो गई छठवां नंबर। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि रास्ते की कोयला को उठाने के लिए एक इक्विपमेंट रहती है जिसको लंप, रास्ते में जो बड़े बद्धे गिरते हैं उसको उठाने के लिए जो है लंप ब्रेकर रहती है, जिसको मैं सातवां नंबर में दे रहा हूं दोस्तों। और एक और इक्विपमेंट रहती है जिसको हम लोग पावर ट्रेन बोलते हैं, जो 3.3 किलो वोल्ट को 1.1 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग पावर ट्रेन आठवां नंबर में रखिएगा दोस्तों। और एक और इक्विपमेंट रहती है जिसको पावर पैक कहते हैं हम, एक नवा नंबर में पावर पैक हो गया दोस्तों। अब यहां पर जो मटेरियल सप्लाई के लिए हम लोग टेल गेट में, इसको हम लोग टेल गेट कहते हैं दोस्तों, टेल गेट कहते हैं जिसमें रिटर्न एयर हवा जो होती है रिटर्न होती है दोस्तों, और जो यहाँ पर हवा इंटर करती है इसलिए इसको हम लोग इंटेक एयर वे बोलते हैं दोस्तों। बॉटम गेट जो होती है हमारी इंटेक एयर वे होती है, टेल गेट जो होती है वो रिटर्न एयर वे होती है, हवा निकलती रहती है। अब यहाँ पर जो आपने लाइन ड्रॉ किया है इसमें हाईजैक कर दिए, ये जो है आपका मटेरियल सप्लाई के लिए हॉलेज रहती है जिसको आप नंबर दे रहे हैं 10 दोस्तों। 10 नंबर आपने दे लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो पूरी लंबाई में फैली हुई है फेस आपकी, इसके इस तरफ आपका मान चलिए डीप है, और आप ये जो ड्रॉ किए हैं ये जो है आपका गोफ है, GOAF गोफ है, और ये आपका फेस है, लॉन्ग वॉल फेस है दोस्तों जो आपने यहाँ पर ड्राइव किया है, एडवांस कर रहे हैं यहाँ पर। जब पैनल बाउंड्री तक जाकर के आपने डीप राइज से ज्वाइन किया है तो उसका एक तरफ का फेस ही लॉन्ग वॉल फेस होता है, लंबी होती है जिसकी लेंथ अभी आपने कैलकुलेट किया 120 मीटर है दोस्तों। तो वो फेस की लंबाई को आप बनाते हुए ये आप ड्राइंग किए, जिसमें इक्विपमेंट जो है अभी तक आपने 10 लिख चुके हैं दोस्तों। अब ये 10 के अलावा भी कुछ और इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनको हम लोग जो है डिटेल्स में और इक्विपमेंट्स में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई लेआउट। अब हम लोग इसके इक्विपमेंट, जैसे जैसे कोयला यहाँ से स्टार्ट होती है वो कैसे ऑपरेशन करती है दोस्तों, ये आपने ब्लॉग लिया हुआ दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ड्राइंग जो बनी हुई है इसका डिस्क्रिप्शन साइकिल ऑफ ऑपरेशन में देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जो है स्क्रीन ले लिए होंगे, मैं आप साइकिल ऑफ ऑपरेशन के ऊपर आता हूं दोस्तों। आपने कैसे निकाला है फेस लेंथ उसकी भी कैलकुलेशन कर लिए होंगे आप। अब मैं आता हूं साइकिल ऑफ ऑपरेशन पर दोस्तों। लेआउट कंप्लीट हो चुकी है, लेआउट ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल की कंप्लीट हो चुकी है, फेस लेंथ आपने निकाल लिया है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं क्या दोस्तों, साइकिल ऑफ ऑपरेशन कैसे सीरल कोयला काटती है फेस में दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन मैं बताने वाला हूँ, साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी बताया था कि ये जो है आपकी गेट रोड थी, फिर से मैं एक रफ ड्राइंग कर रहा हूँ जिसमें जो है ये फेस थी दोस्तों। इसी पर नजर डालते हुए आगे की ओर बढ़ाइएगा कि सियरर जो होती है वो डायरेक्ट कोयला कट नहीं करती है। अगर ये टेल गेट से, यदि मेन गेट से यहाँ से स्टार्ट करती है काटने के लिए, तो मेन गेट से यहाँ पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है और एक ट्रेंगल बनाती है। ये ट्रेंगल कट कोयला कर लेती है तो इसको हम लोग बोलते हैं संप कट दोस्तों, संप कट बोलते हैं। और फिर से ये जब यहाँ सीरर पहुंचती है तो ये बैक डायरेक्शन में कोयला काटते हुए जाती है, जो ये वाला पोर्शन बची हुई रहती है इसको हम लोग जो है बोलते हैं दोस्तों बैक कट दोस्तों। क्या बोलते हैं हम इसको, बैक कट बोलते हैं। अब यहाँ 0.6 मीटर की जो वेव है वो तैयार हो जाती है जिसको काटते हुए कोयला को, वो भागती है चलती जाती है कहां तक दोस्तों, टेल गेट तक। तो इस तरह से ये कोयला काटते हुए कहां तक पहुंच गई, टेल गेट तक पहुंच गई दोस्तों। ये रही आपकी टेल गेट और ये रही आपको मेन गेट।
मेन गेट। अब यहाँ पर आप जैसे ही ये पहुंचती है तो फिर से ये जो है संप कट काटना चालू करती है और ये संप कट काटते हुए यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन ये वाला कोयला दोस्तों बची हुई रहती है जिसको मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से ये बैक कट करते हुए जो है ये पहुंचती है, तो ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन जो है क्या कहला रही है, बैक कट कहला रही है दोस्तों, बैक कट कहला रही है। और ये वाला पोर्शन जो है संप कट कहला रही है। मैं इसी से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर संप कट और बैक कट लेते हुए फिर से ये वाली पोर्शन को ये दूसरी वेव का कट करते हुए कहां तक पहुंच जाती है, मेन गेट में पहुंच जाती है दोस्तों। अब इसको आप रिटर्न रूप में समझने का प्रयास कीजिए। पहला नंबर जो आपके सामने है वो क्या है, संप कट है, कहां से, फ्रॉम मेन गेट, मेन गेट, मेन गेट से आप जो है यहां पर पहला नंबर में क्या ले रहे हैं, संप कट ले रहे हैं, संप कट लिए, जिसका पिक्चर आपने ड्रॉ किया हुआ है किस तरीके से, ये है ट्रेंगल नुमा पिक्चर, इसको आपने दिखा दिया, संप कट लिया है इस तरीके से। दूसरे नंबर में यहीं पर आपने बैक कट लिया है दोस्तों, इसको आप बैक कट के रूप में दर्शा दिया, बैक कट के रूप में दर्शा दिया जो कि सीधा ट्रेंगल के रूप में है, तो इसको आपने ऐसे दर्शा दिया, तो ये सेकेंड बैक कट लिया दोस्तों। थर्ड नंबर में आप वेव कट लिए हैं दोस्तों, तो वेव कट को आपने दिखा दिया कि इस तरीके से 0.6 मीटर की है, 0.6 मीटर की है जो वेव कट लिया है दोस्तों। ये तो हो गई थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में दोस्तों आपने पहुंच गया कहां, टेल गेट में, टेल गेट में काट करके पहुंच गया दोस्तों। तो ये जो है आपका टेल गेट का जो ये जो यहां तक किए दोस्तों, टेल गेट में जो पहुंचे हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, यहां पर लिख दीजिए कि वन पास, आई ई दैट इज कॉल्ड वन पास, वन पास, यहां से फ्रॉम मेन गेट टू टेल गेट जो है वन पास कहलाई दोस्तों। अब यहां पर आप सेकेंड नंबर में आप कहते हैं कि फ्रॉम आप चलते हैं, यहां पहुंच गए हैं सीरर को लेकर के, अब आप टेल गेट से, टेल गेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, टेल गेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से आप जो है एक नंबर में क्या लेते हैं, ये संप कट लेते हैं दोस्तों। फिर से दो नंबर में है जो है आप बैक कट लेते हैं, और तीन नंबर में फिर से आप जो है वेव कट लेते हैं दोस्तों। और वेव कट लेते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पास, कहां तक पहुंच जाते हैं, मेन गेट तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड सेकेंड पास। तो ये सेकेंड पास आपकी कंप्लीट हुई, और फर्स्ट पास प्लस सेकेंड पास, मैं सेकेंड ये वाला सेकेंड लिखता हूं, सेकेंड पास को ही जो है कहते हैं वन साइकिल, दोनों का योग जो है वन साइकिल कहलाता है, और वही वन साइकिल साइकिल ऑफ ऑपरेशन कहलाती है दोस्तों। इस तरीके से कोयला काट करते हुए जो है अपना जाता है दोस्तों, और वो पूरी फेस की लंबाई को काटते हुए जाता है, साथ में पीछे जो एएफसी रहती है वो घिसकती जाती है, और पावर पैक भी उसके साथ साथ घिसकते जाता है दोस्तों। आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है दोस्तों तो ले लीजिए, मेरे को जहां तक मालूम है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको बहुत मददगार करेगी। संप कट क्या होता है, बैक कट क्या होता है, उसको जानने में मैं फिर से मिटाता हूं। यहां पर जो इक्विपमेंट आपने काउंट किया था दोस्तों, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इससे आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन आपको इक्विपमेंट डिटेल आपको लिख लेना होगा दोस्तों, इक्विपमेंट डिटेल इन लॉन्ग वाल डिस्ट्रिक्ट या पैनल। तो इसके लिए आपको सीरियल नंबर यहां लिख ले दोस्तों, सीरियल नंबर वही होना चाहिए जो आप वहां बनाए थे। दूसरा में मशीन का नाम दोस्तों, इक्विपमेंट नेम, और तीसरे नंबर में उसके डिटेल दोस्तों। अब यहां पर सीरियल नंबर में आपने DERD डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम सीरर आपने देखा था, सीरर थी ये जिसकी किलोवाट जो है 300 से 600 किलोवाट के बीच में रहती है, अप टू 450 किलोवाट से 600 किलोवाट तक रहती है दोस्तों। ये हो गई डर्ड सीरर, लॉकिंग लाइन लगा लीजिए यहाँ पर, डबल लॉकिंग लाइन लगा लीजिए ताकि इक्विपमेंट का क्लियर पता चलता रहे। दूसरे नंबर में दोस्तों हम लोग ये कोयला किसके ऊपर गिरती है, AFC के ऊपर गिरती है, तो इसको हम लोग आर्मर्ड फेस
कन्वेयर बोलते हैं दोस्तों। ये आपको एएफसी हो गई जो कि 300 किलोवाट की रहती है दोस्तों। यहां पर जो है तीसरे नंबर में 300 से 450 किलोवाट की रहती है। और तीसरे नंबर में आप स्टेज लोडर की बात करते हैं, एसटीएल स्टेज लोडर की, जो कि 110 किलोवाट की रहती है दोस्तों। चौथे नंबर में ट्रांसफर सूट होता है, मैं दूसरा चौकू खाता हूं दोस्तों। ये चौथे नंबर में रहती है क्या, ट्रांसफर सूट जिसको टीसी बोलेंगे दोस्तों। और इसकी कोई पावर नहीं रहती दोस्तों। पांचवा नंबर में हम लोग गेट बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं, गेट में लगी रहती है, इसलिए गेट बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं, जो कि जीबीसी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो होती है 300 किलोवाट होती है दोस्तों, 150 किलोवाट की दो रहती है, जिसको आप यहां पर 150 किलोवाट इंटू टू कर सकते हैं। गेट बेल्ट के बाद आपने छठवें नंबर पे पावर सपोर्ट लिखा था दोस्तों, पावर सपोर्ट दोस्तों। और ये पावर सपोर्ट जो थी आपकी क्या थी, इसमें ये जो रहती है 400 से 400 टू 450 टन, कैप से यहां तक 600 टन वाली भी रहती है दोस्तों। पावर सपोर्ट आपने लिख लिया। फिर सातवें नंबर में आप देख लीजिएगा कि क्या था, स्टेज लोडर था कि क्या था, लंप ब्रेकर था शायद। तो सातवें नंबर में लंप ब्रेकर जो कि लंप को ब्रेक करता है, जो कि 110 किलोवाट का रहता है दोस्तों। फिर जो है आठवें नंबर में आपने पावर पैक देखा था, पावर ट्रेन देखा था। पावर ट्रेन जो रहती है, वो 3.3 किलो वोल्ट को दिख रही होगी जहां तक है दोस्तों, 1.1 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफर करती है। वो मार्क से समझना होगा दोस्तों कि ये कन्वर्ट करती है। और नौवां नंबर में आपका पावर पैक रहता है, जिसका काम है हाइड्रोलिक फ्लूड सप्लाई करता है, दोस्तों। दसवां नंबर में आपकी हॉल स्ट्रैक है, मैं यहां पर नहीं बची है जगह तो यहां पर लिख देता हूं, 10 नंबर हॉलेज फॉर मटेरियल सप्लाई। ये रहती है 50 किलोवाट की दोस्तों। तो ये रही इक्विपमेंट डिटेल जो 10 नंबर तक आप लोग जो है दिखाए हैं। 11 नंबर का इक्विपमेंट दोस्तों, आपको ये क्लिक ले लीजिए, इक्विपमेंट डिटेल्स है, मैं इसके बाद जो है बताने वाला हूं सपोर्ट सिस्टम दोस्तों। अब जो है यहां पर आपके सामने बात आएगी क्या चीज, सपोर्ट सिस्टम मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, ठीक है, मिटा देता हूं मैं ये चीज जो है आपके सामने। फिर सपोर्ट सिस्टम को ला रहा हूं, देखिए सपोर्ट सिस्टम में गेट रोड सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से होती है, जो कि 11वां इक्विपमेंट में कहलाएगी दोस्तों। सपोर्ट सिस्टम टेल रोड दोस्तों, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने क्या चीज, एक लॉन्ग वॉल फेस, ये रही लॉन्ग वॉल फेस दोस्तों। ये यहां पर 30 टन का हाइड्रोलिक प्रॉप रहता है दोस्तों, जिसके ऊपर गर्डर लगा देते हैं। ये एक 1.5 मीटर के इंटरवल पर दूसरी हाइड्रोलिक प्रॉप का युग्म रहता है, कपल रहता है, और फिर से जो है हम लोग उसके ऊपर गर्डर लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो फेस आपको दिखाई दे रही है, इस फेस से 30 मीटर तक
क्योंकि जो डेंजर जोन होती है कटिंग के बाद जो मैक्सिमम रॉक के लेयर में, रूफ रॉक के लेयर में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 30 मीटर होती है दोस्तों। जैसा कि बोर्ड एंड पिलर मेथड में मान लिया जाता है कि फेस जहां ब्लास्टिंग होती है वहां से वाइब्रेशन मैक्सिमम 2 पिलर तक जाती है, उसी तरह से यहां पर जो है 30 मीटर तक जो है इस तरीके से सपोर्ट करते जाते हैं, जबकि डेवलपमेंट में तो आपने रूफ बोर्ड से सपोर्ट किया ही है दोस्तों। यही सपोर्ट जो है कहां रहती है, ये टेलगेट में भी रहती है दोस्तों। और इसके बीच का इंटरवल कितना होता है, जैसा कि मैं बताया कि ये 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। और ये क्या है दोस्तों, 30 to 40 टन, 30 to 40 टन जो है दोस्तों यहां पर भी है आपका हाइड्रोलिक प्रॉप है जिसके ऊपर गर्डर रख करके सपोर्ट करते जाते हैं। तो ये गेट रोड का सपोर्ट हो गई दोस्तों। फेस का सपोर्ट आपने देख लिया कि पूरे फेस की लंबाई में जो है क्या रहती है, पावर सपोर्ट से सपोर्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं बताना चाहता हूं पावर सपोर्ट के बारे में दोस्तों। ये सिस्टमेटिक सपोर्ट हो गई दोस्तों गेट रोड और टेल्की रोड की दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको क्लिक ले लीजिए ताकि आपको मदद हो आगे के रिवीजन करने में दोस्तों। कुछ टर्म्स हैं जिनके परीक्षा में डेफिनेटली है कि पूछी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपके फिर सामने आता हूं कि कैसे जो है जो हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट रहती है वो कैसे जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पावर सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों। पावर सपोर्ट का जो एक पीस रहता है, मैं ये प्लान ड्रा कर रहा हूं दोस्तों। पावर सपोर्ट का जो ये फ्लोर पीस रहता है जिसमें चार लेग लगे हुए रहते हैं और इस लेग के साथ जो है कैनोपी लगी रहती है जो कि 3 मीटर लेंथ की होती है दोस्तों। ये है 3 मीटर लेंथ की कैनोपी दोस्तों और ये है 1.5 मीटर की दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप देखिएगा कि ये 1.5 मीटर की ये भी रहती है और ये जो रहते हैं क्या रहते हैं, लेग रहते हैं दोस्तों। ये प्लान मैंने ड्रॉ किया है। अब मैं आपके सामने सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों। सेक्शन जो होती है इसी के जस्ट सामने यहाँ पर रहेगी, इसी के जस्ट सामने में रहेगी दोस्तों। तो ये जो रहती है कैनोपी रहती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये कैनोपी रहती है और कैनोपी के सामने जो है ये आपका रूफ पीस रहता है और ये जो है फ्लोर पीस रहता है दोस्तों। रूफ पीस और फ्लोर पीस के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगा 2 लेग, क्योंकि फ्रंट व्यू में केवल 2 ही लेग दिखाई देगा दोस्तों। 2 लेग हो गया दोस्तों इसकी। अगर आप कहें तो सिलिंड्रिकल होने के चलते इसकी डायमीटर को ऊपर में कम रहती है, आप कम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये पावर पैक आपके सामने ड्रॉ हो गई है। जिसकी एरिया की बात करें दोस्तों, जिसकी एरिया की दोस्तों, तो ये जो आपके सामने नॉमिन क्लेचर मैं कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपके सामने ये क्या है, 4 लेग्स है। ये क्या है दोस्तों, ये है कैनोपी और ये है आपका फ्लोर। यहां मैं लिखता हूं क्योंकि इसके साथ लेमनिस्केट लिंकेज लगी रहती है दोस्तों। ये क्या है, लेमनिस्केट लिंकेज रहती है। लेमनिस्केट लिंकेज का फंक्शन ऑफ लेमनिस्केट लिंकेज, इसको आपको याद रखना होगा। पहला, गोफ के मटेरियल को फेस में आने से रोकती है। दूसरा, रूफ रॉक के लोड को फ्लोर में ट्रांसफर करती है।
तीसरा रूफ पीस को फ्लोर पीस से एक तरह से बाइंड करके रखती है दोस्तों। तो इस तरह से लेमिनेट लिंकेज की जो फंक्शन है गोफ के मटेरियल को फेस में आने से रोकती है। दूसरा जो है रूफ के लोड को फ्लोर में ट्रांसफर करती है और रूफ पीस और फ्लोर पीस को जोड़ने का भी काम करती है, फेंसिंग का भी काम करती है दोस्तों। तो ये जो है लेमिनेट लिंकेज हो गई, ये कैनोपी हो गए। इसका एरिया ऑफ सपोर्ट अगर आप बात करेंगे एरिया ऑफ सपोर्ट की, तो देखिएगा लेंथ 4.5 मीटर होती है इनटू विड्थ जो है 1.5 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6.75 मीटर स्क्वायर आता है दोस्तों। या अगर ये 600 टन की है तो 600 टन में आप 6.75 की डिवाइड कीजिएगा तो पर मीटर स्क्वायर में टन आ जाएगी दोस्तों, कि कितना टन एक मीटर स्क्वायर में सपोर्ट कर रहा है 6.75 से जब डिवाइड कीजिएगा। तो इस तरीके से रूफ रॉक लोड भी हम यहाँ पर निकालते हैं और वो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कितना का हमको एक मीटर स्क्वायर को सपोर्ट करना है दोस्तों। इस तरह से पावर सपोर्ट हो गई। अब मैं इसके साथ साथ कुछ और भी बताना चाहता हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लॉन्ग वॉल माइनिंग की आपको कैसी लगी, इसमें जो है निशा सर माइनिंग क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो लोड हो तो आपके तक पहुंच जाए दोस्तों। और कमेंट्स दीजिए दोस्तों कि क्या आपको मिनिमल वर्किंग में क्या डाउट है, क्या पढ़नी है दोस्तों, कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आती है तो उसको जरूर पूछिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं मैं।